वैन सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 गेट समथिंग। सीरीज शुरू होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम वैन होता है, जो कि इस पूरी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि वो अपनी साइकिल पर ब्रोक्टन नाम की दुकान थी या घर पता नहीं, वहां रुक जाता है। वहीं उसके सामने तीन बुरे लड़के भी खड़े होते हैं। वो वैन को जाने को कहते हैं, तो वैन जाने के बजाय बर्फ का टुकड़ा लेकर जो पीछे दुकान या फिर घर होता है उसका एक कांच तोड़ देता है। और तभी उसका मालिक गाली बड़बड़ाते हुए बाहर आता है और पूछता है कि ये किसने किया। वो तीन लड़के वैन के सामने इशारा करते हैं और वो गुस्से में वैन को बहुत मारता है और उसको गाली देकर यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन वैन उसी के सामने एक और बर्फ का टुकड़ा उठा के उसकी दूसरी खिड़की को भी तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। ये शॉर्ट वैन का इंट्रो था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वैन अपने घर जा रहा होता है और तभी उसका मकान मालिक उसे रोक लेता है और अपना किराया मांगता है। तो वैन कहता है कि हम दे देंगे। फिर उसका मकान मालिक कहता है कि तुम्हारे डैड भी कुछ जवाब नहीं देते जब मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। वैन कहता है कि वो बीमार है, मैं दे दूंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके डैड को कैंसर होता है। फिर वहाँ एक पटाखा लड़की आती है जो कि कुकीज बेचने आई होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कुकीज पसंद है, तो वैन कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। उसे देखकर वैन का सिस्टम हैंग हो जाता है और उसे अंदर बुलाता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे? तो वैन कहता है कि जैसे कि। तो वो लड़की कहती है कि किसी ने मुझे अपने पैर दिखाने को कहा था। तो वैन कहता है कि मुझे तुम्हारे पैर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो लड़की अंदर आती है। वैन ऊपर जाकर अपने कमरे में सारा सामान ठीक से रख कर उसे कहता है कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वैन गाना चलाकर अपनी खतरनाक परफॉर्मेंस देता है उस लड़की के सामने और वो लड़की देखती ही रह जाती है। फिर बातों बातों में हमें पता चलता है कि वैन का एक बड़ा भाई है जो कि नेवी में है और उस लड़की के दो भाई हैं। और वैन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो लड़की मना कर देती है। वैन मौका देखकर चौका मारने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुकीज खरीदनी है कि नहीं? तो वैन बोलता है कि मैं खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि जब पैसे आ जाए तब खरीदने आना। और वो उसे अपना पता बताकर चली जाती है। फिर वैन पैसों का बंदोबस्त करने अपने स्कूल जाता है। वहाँ सब उसे बहुत डर रहे होते हैं क्योंकि वैन अपने पास एक हथौड़ी लेकर चलता है इसलिए। और वहाँ हमें एक दूसरी बात पता चलती है वैन के बारे में कि अगर कोई किसी को परेशान करता है और कोई बुरा काम करता है तो हमारे वैन बाबा से देखा नहीं जाता और वो सामने वाले की मदद करने के लिए टूट पड़ते हैं, फिर चाहे मार भी क्यों ना खानी पड़े। स्कूल में वो अपना लॉकर चेक करता है तो उसका लॉकर किसी और को दे दिया होता है। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है क्योंकि उसका प्रिंसिपल और वैन के डैड अच्छे दोस्त होते हैं तो इसलिए थोड़ा चल जाता है। वैन के डैड भी वैन जैसे ही थे, यहाँ उल्टा है, बेटा वैसा बाप। वो भी बुरे लोगों को खूब पीटते थे और उन्होंने प्रिंसिपल की भी बहुत हेल्प की होती है। प्रिंसिपल वैन को समझाते हैं कि तुम्हारे पास दुखी होने की कई सारी वजह है लेकिन तुम सारी जिंदगी भर दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तो वैन कहता है कि तो मैं क्या करूं? उसका प्रिंसिपल कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन दो लड़कों के सामने उंगली करके कहते हैं कि इन जैसा मत बनना, जो कि लड़ रहे होते हैं। फिर वो वहां से निकलकर अपने दोस्त के पास से पैसे लेकर बदले में वैन उसके दोस्त को उसके डैड ने जो टीटी मैगजीन कलेक्शन की पूरी अलमारी भरी हुई थी वो दे देता है और वो पैसे लेकर उस लड़की के घर जाता है और वहाँ वो लड़की अपना नाम डेल बताती है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वैन उससे कुकीज का बॉक्स खरीद लेता है और डेल उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है लेकिन वो कुछ शर्तें रखती है कि मैं वैलेंटाइन डे ये सब वगैरह नहीं मनाऊंगी और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी और तुम मुझे घूर के देख भी नहीं सकते। वैन कहता है कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है। फिर डेल अपने बैग में से और कुछ पैसे निकालती है तो वैन पूछता है कि इतने पैसों का क्या करोगी? तो डेल बोलती है कि मेरे कैंपेन के लिए, मेरे प्रचार के लिए, मैं बड़ी होकर मेयर बनूंगी, फिर कोई मुझे नहीं बोलेगा कि तुम ये करो या फिर वो। इसलिए हमें ये पता चलता है कि वो अपने डैड और अपने दो भाइयों से नफरत करती है। वैन कहता है कि मैं तुम्हें वोट दूंगा और फिर ये होता है। फिर वो वैन को अपने साथ सांपों को मारने के लिए ले चलती है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और डेल का राज खुल जाता है कि वो चुप चुप कर कुकीज बेचकर पैसे इकट्ठे कर रही है। उसके डैड उससे सारे पैसे ले लेते हैं
और वेन को पीट देते हैं। फिर वेन घर आता है जहाँ एक औरत उसके डैड का ख्याल रख रही होती है। वो वेन को बताती है कि मेरा पुराना प्रेमी मेरे घर आया था और उसने बताया कि किसी ने उसके कांच तोड़ दिए। और यहाँ हम लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि वेन ने जो शुरू में खिड़की के कांच तोड़े थे वो इसी आंटी के लिए तोड़े थे, क्योंकि उस आदमी ने इस आंटी को प्यार में धोखा दिया होता है। तो वेन इसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है, जिस पर वो आंटी कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ये तुमने किया, ये मेरी प्रॉब्लम है और बस मेरी, तुम्हारी नहीं, और मैंने उसे ब्रेकअप भी कर लिया है तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वेन अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड उसे एक टपाल चिट्ठी जैसी पुड़िया देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो वेन को कहते हैं कि किसी शुभचिंतक ने हमारा किराया चुका दिया। और तभी वेन के हाथ में एक तस्वीर आती है जिसमें एक धासु गाड़ी थी और कुछ लोग। वेन इस तस्वीर के बारे में अपने डैड से पूछता है तो उसके डैड बताते हैं कि ये कार मेरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसीलिए मैंने इसे खरीदी थी। वेन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी गाड़ी और मेरा बाप, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये कार मैं घर पे नहीं ला सका, घर पे लाता उससे पहले तुम्हारी माँ का कमीना बॉयफ्रेंड इस गाड़ी को ले गया, और हाँ तुम्हारी माँ भी। वेन के डैड उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये तुम्हारी गाड़ी है। ये दोनों बाप बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पड़ोस में छोटे बच्चे रॉकेट जलाकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे वेन के डैड को बहुत तकलीफ होती है। वेन ये देखकर उन बच्चों की सारी रॉकेट जब लेकर वापस आता है तब वो देखते हैं कि उसके डैड मर चुके थे। फिर वो उस गाड़ी को लेने तैयारी शुरू कर देता है। अपनी फटफटी निकाल कर सबसे पहले वो डेल के घर जाता है और उसे अपने साथ ले लेता है। इस बीच वेन और डेल के डैड की फाइट भी हो जाती है जिसमें वेन पिटता है, लेकिन आखिर में वो सुरपंखा की तरह डेल के डैड की नाक काट कर वहाँ से चला जाता है। फिर 1300 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा में हमें दिखाते हैं कि वेन की माँ का जो बॉयफ्रेंड था वो उस गाड़ी को उसके बेटे को जन्मदिन पर गिफ्ट कर देता है। और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दूसरे एपिसोड देखने के लिए MOM यानी मास्टरपीस ऑफ मूवीज चैनल पर बने रहें।